मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को बड़ा झटका लगा है। इंदौर में करबला मैदान की 6.70 एकड़ जमीन पर वक्फ ने दावा किया था, जिसे जिला अदालत ने वक्फ का दावा खारिज कर दिया है और नगर निगम को इस बेशकीमती भूमि का मालिक घोषित कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने उक्त जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। इंदौर में करबला मैदान की बेशकीमती जमीन का मालिकाना हक इंदौर नगर निगम को मिल गया है। इस जमीन की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक की बताई जा रही। इंदौर मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने बुधवार को इस जमीन का दौरा किया, जहां उन्होंने बताया कि यह फैसला शहर के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस जमीन का उपयोग शहर के लिए नई परियोजना के लिए करेंगे। यह फैसला शहर के नागरिकों के हित में है। उन्होंने कहा कि जमीन के उपयोग को लेकर MIC की बैठक होगी, जिसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा। माननीय न्यायालय ने घोषित किया है, उस आधार पर इस जगह का हमने दौरा किया है। आगे इसकी क्या योजना बनानी है, क्या उपयोग करना है, वो हम MIC में तय करेंगे सब जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेके। लेकिन ये एक ऐतिहासिक फैसला है नगर निगम के हित में, और इस दृष्टि से भी ऐतिहासिक है कि वक्फ में जो संपत्ति रजिस्टर्ड थी, उस रजिस्ट्रेशन को गलत मानते हुए माननीय न्यायालय ने नगर निगम के अधिकारों का संरक्षण किया है। और इंदौर की प्रगति में ये मैदान उसकी प्रगति में बड़ा वाहक बनेगा, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। और इस लड़ाई को लड़ने वाले कोर्ट में नगर निगम का, मजबूती से पक्ष रखने वाली लीगल टीम का और बाकी भी जो लोग इस सबसे जुड़े रहे, मैं उनका भी धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। हमने आज मौका मुआयना किया है, आगे इसकी योजना बनाएंगे, बात तय करके जो भी अतिक्रमण होंगे, जो भी हमारी योजना में आवश्यक होगा, क्योंकि कई सारे विषय हैं। धोबी समाज यहाँ लंबे समय तक इसका उपयोग भी करता रहा है, रजक समाज, तो उस दृष्टि से भी क्या किया जाएगा ये हम विचार करेंगे।